मिनट के लिए, इसमें भी 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। ऐसे डाल दें, टेस्टफुल चाऊ के लिए बनाए हैं, तो फ्लेम को बंद करते हैं। ये रेडी चिकन नगर्स तैयार हो चुके हैं, वहां से कैसा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से चिकन नगेट्स किस तरीके से तैयार होते हैं। पहले मैंने उसकी रेसिपी दी, मिलियंस में लोगों ने उसको पसंद किया और हजारों में लोगों ने उसका कारोबार किया। मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दें, आई बटन में भी दें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मास्टर हूँ बहुत बड़ा, आप किसी की रेसिपी से भी भाई कारोबार करें। मेरा मकसद है कि आप बेरोजगारी का खात्मा, आप मुझे फॉलो करके कारोबार करें, मुझे फॉलो ना करें कारोबार करें, कारोबार करें। मैं गल पेट रहे हैं, ठीक हो गया। अब घर में खवातीन की कॉल्स आ रही थी और कमेंट्स आ रहे थे कि फटाफट से नगेट्स की रेसिपी दें। अब घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट देने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा, मेरे अपने ही तरीके ने, बाबे दे अपने ही फार्मूले है। 1/2 kg मैंने जो है ना बोनलेस ले लिया चेस्ट, इसमें पैन में शामिल कर दें, पानी शामिल कर दें इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसको हमने जोश दिलवाना है चिकन को, ठीक हो गया। 1/2 tablespoon नमक का शामिल कर दें, इस तरीके से टुकड़े किए हुए हैं मैंने चिकन के, ठीक हो गया। इसको हमने यहाँ फ्लेम पे चढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। इसको हमने जोश दिलवाना है 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। बॉयल नहीं करना, जस्ट हमने इसको जोश दिलवाना है। जोश दिलवा लूँ 5 मिनट उसके बाद मिलता हूँ। ये नहीं, इसको जोश दिलवाया हल्का सा, सेलर में यहाँ पर निकाल दें। बस हमें ऐसा सा चिकन चाहिए, चिकन हमारा वाइट हो चुका है, ठीक हो गया। मैंने 5 पीस जो है ना ब्रेड के स्लाइस ले लिए इस तरीके से, ये देख लें 5 अदद, ठीक हो गया। ब्राउन वाला हिस्सा इनका मैं उतारने लगा हूँ, ब्राउन वाले हिस्से को साइड पे कर दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। आप सीखने वाले बने भाई, कारोबार किया करें, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के बीच, मेरी गल याद पल्ले बांध लो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मेरे मुँह की तरफ कर कैमरा भाई, अगर मैं गलत पेट रहा गलत कह रहा हूँ, मुश्किल वक्त में कोई किसी का नहीं है। अगर मैं गलत बता रहा हूँ, गलत गाइड कर रहा हूँ आपको, ये जमाने शिनासी की बातें नहीं बता रहा था, दसो मैनू। रेसिपियां भी बता रहा हूँ, कारोबार करने के तरीके भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल वक्त मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता। इस तरीके से इनको उतार लें इस तरीके से, टाइम थोड़ा होता है इसलिए, नहीं तो बहुत सारी गल्ला करा थोड़े नाल। इस तरीके से टुकड़े कर लें, कोई मसला नहीं है। चॉपर में डाल दें, इस तरीके से कवर लगा दें। ये अच्छे तरीके से ब्रेड को हमने चॉप कर लिया, इस कंडीशन में आ गई, देखा मक्खन जो बन गए हैं इस तरीके से। इस टाइम पे आके ये चिकन हमने जोश दिया था चिकन को, ये इसमें शामिल कर दें, 1/2 kg था ये, ठीक हो गया। 1 tablespoon इसके अंदर शामिल कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट, शामिल कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट, दब दो 1 tablespoon ना। 1 teaspoon भर के पपरीका पाउडर, पपरीका पाउडर शिमला मिर्च का पाउडर, ठीक हो गया, शामिल कर दें। वाइट पेपर 1/2 teaspoon शामिल कर दें, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon बारीक पीसी हुई शामिल कर दें, नमक 1/2 teaspoon या अपने टेस्ट के हिसाब से दब देता करो, सोया सास 1.5 tablespoon शामिल कर दें, उत्तो कवर ला दो, इनू घुमा दो। दो 3 मिनट मैंने इसको चलाया, ये बिल्कुल फिट हो गया, ये देखें इस कंडीशन में आ गया, ये देखें जिस तरह का हमें चाहिए था, ये देख लें। इसको उठा लें यहां से, यहां पे निकाल दें, कोई मसला नहीं है, देखें साफ बिल्कुल, मेरे निराले ही काम ने, कहानी खत्म करो। इसमें शामिल कर दिया, ये लें जी, इस टाइम पे आके जब हमने निकाल लिया, हल्का सा ले लें, ऑयल को इस तरीके से हाथों की मदद से इसके ऊपर लगा दें, या जिस तरह आप कहते हैं कि गोन लगो हैं पंजाबी दसा तुम, इस तरीके से अच्छे तरीके से हल्का हल्का ऑयल लगा दें और इसको गोन लें इस तरीके से। इस तरह हल्का हल्का ऑयल लगा दिया हमने। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पेड़ा बना के ही बेल लेते हैं, बेलने से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह के जो सांचे मिलते हैं बने हुए मार्केट से,
ये मैं ले आया थोड़े तो वास्ते, किसी को मेरे मैं बना के मेरे को फारग ने, किसी को चाहिए हो तो मैं उसको कोरियर करवा दूंगा मेरे भाइयों, मुझे बता देना, ठीक हो गया। इसमें हर साइज के फूल के गोल वाले दिल वाले सारे होंगे ने, इसको खोल लें। ये देखें, हाँ ये इस तरह दिल वाला बना के दिखा रहा हूँ। आयल लगा लें इस तरीके से, इसके अंदर ये ले लें, उठा लें इस तरीके से। मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा समझाया पिछली वीडियो में भी किस तरीके से नगर्स तैयार करने हैं आपने। ये देखें, ये इस तरीके से ठीक हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से निकाल लें, ये ले तैयार हो गए ने। हुण तुसी आखोगे भी इहदा वजन दसो, मैं दसदा, बाबा दसेगा। इधर करके आमरा बाबा कंडा कटेगा। तुम मेरे फैमिली का हिस्सा हो, तुसी टेंशन ना लिया करो, मैं दसांगा कितना वजन है। इसको ऑन कर लें, इसको यहाँ पे ले आए। ये लो जी, ये हो गया इसका वजन 27 ग्राम। ये बड़ा, ये छोटे वाला मार्केट से अगर आपने कारोबार करना है तो ये वाला, ये बनता है 15 ग्राम का, ठीक हो गया। ए 15 ग्राम वाला सांचा ये बनाने ने, ये इस तरीके से बना के यहाँ रख लें, कंडे को हटा दें, दूसरा उठा लें। फिर मुझे मेरे बेटे मैनू कहंदे ने, बाबा तुसी कंडा बोल जांदे हो, वेट मशीन नहीं बोलते। बाबे नू अंग्रेजी आवे ते बाबा बोले, बाबे नू तो अंग्रेजी आई ना है जी, बाबे ने तो कहना वही सादियां गल्लां। इस तरीके से बना लें, ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं इसको, ऐसे प्यार से देखें, ऐसे आहा दिल बन गए दिल। इस तरीके से यहाँ पे रख दें, दूसरा उठा लें ऐसे, ये देखें ठीक हो गया। मैं सब बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों। ये सारे नगर्स इस तरीके से बना लिए, दो दो अंडे ले लिए, इस तरह बॉल ले लिया, उसमें फेंट लिए अच्छे तरीके से, 2 टेबल स्पून मिल्क शामिल कर दो, अच्छे तरीके से फेंट लें। ये लो जी, एक एवें चुक लो, बिच डबो लो, फिर इतने पा लो। भाई मैं सादा शेफ हूँ, चुको अंडा सारे दिल तो दबो है। मैं क्या फिल्में चला रखी चौंचले बाजियाँ, एक एक चुक लो दे विच पा लो, फिर उन्होंने इंज कर लवो, बस ए सारे विच पै गया। ब्रेड क्रम्स वाइट वाले उसको मैंने वो किया हुआ है ग्राइंड, ठीक हो गया। इस तरीके से लगा लें, कोई मसला नहीं है। इस तरह यहाँ पे रखते रहें इसको, इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा लें, और यहाँ पे एक हाथ से लगाते रहें, एक यहाँ पे रखते रहें, ठीक हो गया। इस तरीके से ये इस तरीके से उठा लें, इस तरीके से सबको मैं लगा लूँ इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिल लेता हूँ। ये सबको हमने ब्रेड क्रम लगा लिया इस तरीके से। इस टाइम पे आके आप इनको, इनके पैकेट बना के इनको फ्रोजन कर सकते हैं। ये 1 साल 8 महीने 12 महीने 14 महीने कितने भी नहीं जानते, ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, इसको हाई फ्लेम करके ऑयल को गर्म कर लिया, ठीक हो गया। इसको स्लो कर दें, तेज़ आँच पर ये फ्राई नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फ्रायर में कर रहे हैं तो 160 टेम्परेचर पे होंगे ये 5 मिनट के लिए, इसमें भी 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। ऐसे डाल दें, डीप फ्राई होते हैं ये, शैलो फ्राई नहीं होते। वो जो जेड़े दस देने ना भी शैलो फ्राई करो, वो चौंचले बाजी है भाई, इनका रिजल्ट नहीं आता। ये हो जाए, इनका कलर आना शुरू हो जाए 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको मिल जाऊँ। ये जी 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ये कलर इनका आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे निकाल दें इस तरीके से, यहाँ पे निकाल दें। 160 टेम्परेचर पे ये जो है ना फ्राई होंगे। वो जो शैलो फ्राई कर ले होते हैं जी, कर लो भाई, वो फिल्में ही हैं, वो कोई नहीं है ठीक ठूक। इस तरीके से सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, जिवें वड्डी वड्डी कंपनियां बना दियां ने रेस्टोरेंट तो तुसी लै के आंदे हो। इसी तरीके से मैं दूसरे भी जो है ना वो कर लूँगा। ये रहने जी, चिकन नगर्स तैयार हो चुके हैं। अगर कैमरा मैन आपको सुनवा सके साउंड, ये देखें किस तरह इनका साउंड है, खस्ता किस तरह है, कमाल के ये तैयार हुए हैं सॉफ्ट। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको मेरे भाइयों हमारी ये चिकन नगर्ट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।